ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांध्रगारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु क्रूरा ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। और आज हम उपस्थित हैं तुला राशि वालों के लिए मई के अंतिम दिवस जो हैं कैसे रहेंगे, मई का जो समय चल रहा है, अंतिम दिवस चल रहे हैं, ये तीसरा भाग जो है वो कैसा रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से तुला राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है वो इन खास दिनों में दिखाई देता है कि कुछ दिन भाग्योदय कारक रहेंगे, कुछ समय तो ऐसा रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बहुत अच्छा कैसे हो गया। धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक कृत्यों में आपका मन उत्पन्न हो सकता है और वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है। कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि कई भोग विलास की भाव उत्पन्न हो जाए, आप बिल्कुल परिवर्तित हो जाएं, कोई कह ही नहीं सकता कि आप वही व्यक्ति थे जो धर्म की तरफ आस्था रखते थे। आप बिल्कुल, यानी कई प्रकार से फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स, फ्लक्चुएशन ऑफ मूड जो है वो आपके चेंजेस, कई रूप आपके देखने को इस समय मिल सकते हैं। और कई पॉजिटिव चेंजेस ऐसे रहेंगे कि जैसे चंद्रमा मंगल, जो मंगल खासतौर पर शनि का युग अशुभ चल रहा था उसके कारण से हतोत्साहित हो रहे थे, वो आपको ऐसा उत्पन्न कर सकते हैं भाव, अरे नहीं बहुत बढ़िया, सब ग्रहों के अधीन है। जो भी कुछ जीवन में परिवर्तन होता है सब ग्रहों के अधीन होते हैं और ग्रहों की परिवर्तन के अनुसार से हम उन सब चीजों को समझ भी सकते हैं कि क्या कुछ होने के योग बन रहे हैं और कैसे उन सब चीजों की स्थिति का आप लाभ ले सकते हैं। बुद्धि में चल रहे हैं शनि और शनि जब मंगल से दृष्ट हो जाते हैं तो कई प्रकार से जीवन बुद्धि में और जड़ता उत्पन्न कर देते हैं, तो इसलिए बुद्धि को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ग्रह क्या कराने जा रहे हैं आपके साथ उन सबको समझना है। देखिए ऐसे में जो चंद्रमा का, जो विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो आपके लिए बहुत विचित्र प्रकार का है। तो तुला राशि वालों, सिलसिलेवार हमको आपको बताते हैं क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ 21 से लेकर 31 तारीख तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 मई की। 21 मई को ग्रहों का योगायोग आपके लिए जो बनता दिखाई दे रहा है वो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि पंचांग क्या कह रहा है उस दिन ग्रहों के अनुसार से। देखिए द्वितीया तिथि है जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की और चंद्र उस दिन उदय होंगे और रविवार का अवसर है, रोहिणी नक्षत्र विद्यमान है। चंद्रमा उच्च के हैं लेकिन शाम के समय चंद्रमा बदल जाएंगे। जब उच्च के हैं तो सूर्य के साथ इस वक्त विद्यमान है इस वक्त, और सूर्य चंद्रमा को क्षीण करते चले जा रहे हैं। सूर्य जब चंद्रमा के साथ होते हैं पंचमी तिथि तक क्षीण माने जाते हैं चंद्रमा, उसके बाद चंद्रमा निर्मल होकर आगे निकल जाते हैं, शुद्ध रूप से स्थिति अच्छी हो जाती है चंद्रमा की। तो लेकिन इस वक्त जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके थोड़े खर्चे बढ़ा सकती है और आपके विशेष तौर पर ग्रह योग दिखा रहे हैं कि अननेसेसरी आपके मनोमस्तिष्क में कुछ नेगेटिव भाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा अपने आपको बैलेंस रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, हाँ ना में ना फंसे और विशेष तौर पर अपने विचारों को दृढ़ रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए और थोड़ा शांत रह के काम करने का प्रयास करना चाहिए। परिवर्तन होगा, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। शाम के समय जो चंद्र दर्शन होगा वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में गऊ का पूजन करना, चंद्रमा का दर्शन करने के उपरांत गऊ का आशीर्वाद लेना, गाय को विशेष तौर पर कुछ मीठा खाने को डाल देना, गुड़ इत्यादि डाल देना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। ये आप करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। वहीं 22 तारीख की ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन पंचांग के अनुसार से तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और उस दिन बहुत बढ़िया तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए बन रहा है। जितना धर्म में आस्था होगी उतना ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी योग बनने वाला है। तुला राशि वालों, खास तौर पे आपका जो ग्रह का लग्नेश है उसके साथ चंद्रमा भी साथ में आ गए हैं आपके नवम भाव में और ये बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। धर्म रत होकर आप यदि कार्य करेंगे तो देखिएगा वैसे धर्म का उदय हो ही जाएगा और आप अच्छे ही कार्य करने वाले हैं और इसकी वजह से लोग आपको झुककर सलाम भी कर सकते हैं। और ऐसे में देखिएगा आपकी गुडविल बढ़ती दिखाई दे रही है, मोटिवेशन आपको प्राप्त हो सकता है, आप इसका लाभ मिल सकता है आपको। आने वाले 4-5 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाते दिखाई दे रहे हैं, इनको सही रूप से आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। धन के लाभ के योग भी बनेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट भी, मोटिवेशन भी प्राप्त होगी, परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा सर मंडाते ओले भी पड़ सकते हैं, अच्छे के साथ साथ कुछ ना कुछ हल्की सी विडंबना उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा बैलेंस होते हुए काम करने की जरूरत है। इस दिन सोमवार के दिन विशेष तौर पर योग पड़ रहा है रंभा तीज का, तो और साथ साथ सर्वाद सिद्ध योग भी विद्यमान है। कुछ नया कार्य आरंभ करना है तो सुबह 5:30 से लेकर आप 10:37 तक का ये बहुत सुंदर योग रहेगा, इसका आप लाभ ले सकते हैं। रंभा तीज है तो कोशिश करें भगवान शिव पार्वती दोनों का विशेष तौर पर पूजन करें, उनको सफेद पुष्प अर्पित करें, बिलपत्र अर्पित करें भगवती दुर्गा को
विशेष तौर पर कहा जाता है लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए, लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए, मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। सुहाग पर विशेष तौर पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग होते हैं, वो अपने आप टल जाते हैं। इस शुभ योग में लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए तो आपके लिए शुभ होगा। ऐसे में राहु आपके जीवन साथी वाले भाव में चल रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें माँ भगवती का पार्वती का विशेष तौर पर पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। 23 तारीख का जो ग्रहों का नक्षत्र योग दिखाई दे रहा है उस दिन मंगलवार है, और तुला राशि वालों को समझ लेना चाहिए उनके लिए कितना कल्याणकारी अवसर है। उस दिन विनायक चतुर्थी है और बुढ़वा मंगल है, और साथ साथ गणेश चतुर्थी विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी है। अंगारक चतुर्थी का बड़ा सुंदर योग बन गया है, तो ऐसे में इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है तुला राशि वालों, आप समझ लो ऐसे में षडाष्टक योग उठापटक का योग बनाता है, अशांति का योग बनाता है, कष्ट देने का योग बनाता है। तो आपको क्योंकि आने वाले करीब करीब जो पूरा मई का जो खासतौर पर जून का अवसर है उसमें षडाष्टक योग बना रहेगा, उसके बाद करीब करीब डेढ़ महीने के लिए शनि मंगल के टकराव होने वाला है। ऐसे में पहले से ही उसको ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। बुढ़वा मंगल है और साल में एक करीब करीब ज्येष्ठ के महीने में जितने मंगल पड़ते हैं बुढ़वा मंगल माने जाते हैं, और इस बुढ़वा मंगल पर जो तीसरा मंगल है ज्येष्ठ का, इस दिन अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। विनायक चतुर्थी अंगारक चतुर्थी जिस दिन मंगल की उत्पत्ति हुई थी, और मंगल की उत्पत्ति यानी मंगल का जन्म दिवस, ऐसे में कोशिश करें हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में बहुत सुंदर तरीके से मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, और इस शांति ग्रह महायज्ञ पे हमने क्या किया है, सुंदर कांड का पाठ रखा है। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाएगा, सवामणि का भोग लगाया जाएगा। आप सब भी अपने अपने क्षेत्रों में ये कार्य कर सकते हैं, घर में प्रार्थना कर सकते हैं। ये जो मंगल को अशुभ करने का योग चल रहा है, मंगल को शुभत्व में परिवर्तित कर सकते हैं कर्म के अनुसार। कर्म ही प्रधान विश्व रचि राखा, तो कर्म को शुभ कर लो, सब चीजें शुभ होने के योग बन जाएंगे। आपके लिए चंद्रमा की स्थिति वैसे ही आज के दिन मंगल का जो स्थिति है और चंद्रमा के साथ शुक्र का योग बना हुआ है वो बड़ा अच्छा है, और वो आपको पॉजिटिव तरफ रहेगा। अध्यात्म के द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जितना धर्म करेंगे उतना बढ़िया कल्याणकारी योग आपके लिए बनेंगे। तो पुण्यों को अकाउंट को एकत्र करने का योग दिखाई देता है, उसका आप लाभ लें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दोपहर को 12:04 से लेकर रात्रि के 12 तक भद्रा रहेगी, तो ऐसे में नए कार्य आरंभ करना ठीक नहीं है। नए वस्त्र लाना, नई गाड़ी खरीदना, नए लोहा खरीदना, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। नई चीज किसी प्रकार भी घर में आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा। 24 तारीख के ग्रहों की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन सुबह सुबह दिखाई दे रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। चंद्रमा परिवर्तित हो गए मंगल के साथ चले जाएंगे। मंगल जिस राशि में चल रहे हैं वो है कर्क राशि, वहां मंगल जो है वो क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। चंद्रमा उस ग्रह के स्वामी है और वो आकर मंगल की पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे। अनेक अनेक ज्योतिषी अनेक अनेक विडंबनाएं भाव उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम आपको समझा देते हैं, बड़ा सुंदर है। ऐसे में आपको लगेगा ही नहीं कि वही व्यक्ति है कि जिसके अंदर साहस की कमी हो गई थी, यानी पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा आप बहुत बढ़िया से लाभ ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, बहुत बढ़िया तरीके से योग है, ऐसे में आपका के लिए क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा तुला राशि वालों। ऐसे में आप निर्द्वंद होकर काम करें, जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपके कई प्रकार से शांति के योग बनेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसे में झगड़ों में नहीं फंसना है, पॉजिटिविटी में बहस में नहीं फंसना है, पॉजिटिविटी से काम करने का प्रयास कर लीजिए। नए लोगों से संपर्क साधें, बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, कोई काम रुका पड़ा है तो तुरंत जाके काम कराइए, आलस्य मत कीजिए। आपके लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर है, बुद्धि में जड़ता को त्याग कर इस समय का उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस चीज समझते हुए कार्य करें। 25 तारीख के ग्रहों का योगायोग बहुत ही सुंदर है। 25 तारीख को तुला राशि वालों को पहले से जान लेना चाहिए कि क्या कुछ करने के योग हैं, बहुत सुंदर। उस दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है और बहुत कल्याणकारी है। सुबह 5:30 से लेकर 5:54 तक योग रहेगा। केवल विवाह इत्यादि के लिए योग शुभ नहीं होता, बाकी हर कार्य के लिए बहुत शुभ रहता है। नया कार्य आरंभ करना, नए घर में प्रवेश करना, नए चीजों को करना, नए जो भी कार्य करना चाहते हैं उन सब के लिए बड़ा ही शुभ योग है। लेकिन सूर्य भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही पर्यावरण में जहां पे बेसिकली सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं पृथ्वी पर, और ये योग बनाती हैं तूफानों के, बवंडर के और कई प्रकार के लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देते हैं, और उसके कारण से वातावरण में कुछ बहुत ज्यादा उष्ण उत्पन्न हो जाती है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि इन तिथियों में जो 15-14 दिन की तिथि होती हैं, इन तिथियों में विशेष तौर पर जल का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, इससे कष्टों का निवारण करने के योग बन जाते हैं। ग्रहों का योगायोग बहुत शुभ है। आज की शिव तिथि में आप कल्याणकारी योग बनाएं, गुरु पुष्य का योग है, अच्छे कार्य करें। मंगल आपका नेगेटिविटी को त्याग कर
तीन दिन के लिए पॉजिटिव हो गया चंद्रमा के कारण से, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 26 तारीख, 26 तारीख तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है। 26 तारीख को पंचांग कहता है कि उस दिन सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है। अश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होंगे वो मूल शांति उनकी करानी परमावश्यक होगी, नहीं तो पिता के लिए, माता के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए वो बच्चे भारी होंगे। 27 दिन तक लगातार गणमूल को शांति कराने के लिए मूल शांति मंत्र का पाठ किया जाता है, वो बहुत जरूरी होता है, इसको अवश्य करा लेना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर जो हो रहा है वो विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए जो दिन है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के रास्ते बना सकते हैं, सम्मान में वृद्धि करने के लिए, झगड़ों से बचते हुए कार्य करें, कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय अनुकूल है। आपका विश्वास जो है बढ़ा रहेगा, मनोमस्तिष्क से परिवर्तन के योग, विचारों से परिवर्तन के योग बना सकते हैं आप, नए लोगों से संपर्क साध सकते हैं, बुद्धि की जड़ता को त्यागें। शनि महाराज अभी भी आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में चल रहे हैं और वो मंगल से दृष्ट हैं, तो वो खासतौर पर आपकी बुद्धि में थोड़ी जड़ता ला सकते हैं। तेज करिए काम, जल्दी से काम करें, कल्याण के योग बनेंगे। ऐसे में हर्षल का उदय हो रहा है। हर्षल का उदय होना मेष राशि वालों के, मेष राशि में हर्षल चल रहे हैं वो तुला राशि वालों के लिए थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे, अननेसेसरी के झगड़े बढ़ाएंगे, तो उनसे शांति रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। हर्षल की शांति के लिए एक बात ध्यान रखें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, वो बहुत सुंदर उपाय रहता है, गायत्री का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख का ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर क्या रहेगा। इस दिन सप्तमी तिथि वृद्धि हो गई है, शनिवार का अवसर है, जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और एक बात ध्यान रखें, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भद्रा विद्यमान है, वो अच्छी नहीं रहेगी। सुबह 7:42 से लेकर रात के 8 बजे तक, करीब 9 बजे तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी, तो इस दिन नए कार्यों को नहीं शुरुआत करना चाहिए। लोहे का व्यापार नहीं करना चाहिए, लोहा घर में नहीं लाना चाहिए, नई चीजें घर में लाने से बचना चाहिए, तो ऐसे में सावधान होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए खर्चे बढ़ाने के योग बना रहा है और खासतौर पे खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनसे बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आमदनी बढ़ने के योग भी बन रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट है चंद्रमा आपकी और वो अच्छे योग दे रहे हैं कि आमदनी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में चंद्रमा अकेले होने के कारण से खर्चे भी थोड़े उत्पन्न हो सकते हैं, तो खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। वहीं 28 तारीख के लिए हम बात करें तो 28 तारीख को रविवार का अवसर, जेठ का महीना, माँ भगवती की दुर्गा आराधना का बहुत सुंदर अवसर है। रविवार का दिवस भगवती दुर्गा की आराधना करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन दुर्गा अष्टमी पड़ गई है, रविवार का अवसर है और साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है। दश महाविद्या के अंतर्गत आई ये भगवती का स्वरूप जो है ये बड़ा ही कल्याणकारी है, आपके असंभव कार्यों को, रुकावट वाले कार्यों को पूर्ण करने के लिए। जब कोई भगवती का स्वरूप कल्याण मार्ग न मिल रहा हो, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान कर लेने से, उनका स्तवन कर लेने से, उनके निमित्त यज्ञ अनुष्ठान कर लेने से आपके रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त हो जाती है और जहाँ हार होने के योग हों वहाँ विजय के योग बन जाते हैं, तो इसलिए धूम्रावती जी का अनुष्ठान यज्ञ जो है बड़ा कल्याणकारी है, वो हमने करके देखा, बड़ा ही कल्याणकारी योग बनाता है। ग्रहों का योगायोग आज भी आपके लिए गज केसरी योग बना रहा है, जो आपकी उन्नति के योग बनाता दिखाई दे रहा है। खर्चों में थोड़ी वृद्धि रहेगी, उसको कंट्रोल कर लीजिए तो अब बड़ा अच्छा रहेगा, आमदनी का रास्ता अभी भी प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही है, हिम्मत को जगाएं तो शुभ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आगे निकल गए हैं, मंगल पीछे रह गए हैं और मंगल फिर कमजोर हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको आवश्यकता है मंगल को शक्ति देने की। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, भगवती की प्रेरणा से सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सब करने के योग बन जाते हैं। 29 तारीख के ग्रहों के योगायोग जो है वो है महेश नवमी, सोमवार का अवसर, जेठ का महीना, नवमी तिथि, तो यह है भगवान शंकर को प्रसन्न करके लाभ लेने की स्थिति। सुबह सुबह ग्रहों का परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपके लिए थोड़े से खर्चे बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने का समय है। देखिए गर्मी है, लू लग सकती है, ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी से जाने से बचने का प्रयास करें। हम आपको एक तिथि, एक रास्ता बता देते हैं, कोशिश ये करें जब भी घर से बाहर निकले पेट भर कर निकलें, पानी पी कर निकलें, ऐसा ना हो कि एकदम गर्मी से आए और उसके बाद आते ही पानी पी लिया, फिर लू परेशान कर सकती है। ये आपके लिए अंबी का पन्ना आता है, बहुत बढ़िया होता है, उसको समय सेवन करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में ग्रह योग थोड़े भारी दिखाई देते हैं और अपनी गाड़ी, अपने वाहन, अपने चीज़ों का खास सावधान रखने का प्रयास, सावधान रहते हुए उनका प्रयास करें, नहीं तो कहीं से जुर्माना हो सकता है। गाड़ी वाड़ी सावधानी से चलाएं और बहुत नियमों का पालन करते हुए कार्य को करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये तिथि इसी प्रकार की है। भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, कल्याण के योग बनेंगे। 30 मई के लिए बहुत ही सुंदर ग्रहों का योगायोग बन रहा है।
30 तारीख को मंगलवार है, गंगा दशहरा है और आखिरी जेठ का मंगलवार है। आखिरी जेठ का मंगलवार यानी आखिरी बुढ़वा मंगल। ये बुढ़वा मंगल बहुत सुंदर तिथि बना रहा है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं पहले भी। मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, मंगल चल रहे हैं बहुत कमजोर, ऐसे में हनुमान जी का स्तवन कर कर आप समस्त प्रकार से मंगल के शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर तिथि है, आखिरी मौका है आपको इस वर्ष में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर तरीके से। कोशिश करें हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। गंगा दशहरा है, दशम पापम भरति दशहरा, अपने पितरों के निमित्त आज तर्पण करना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए। भगीरथ के जो बहुत ही मुश्किल प्रयास था, जो असंभव कार्य था गंगा जी को पृथ्वी पर लाना, आज के दिन पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ और उसके बाद वो लेकर चले आगे और वहां जाकर जहां पर विशेष तौर पर जी को उन्होंने जो पाताल लोक में लेके पहुंचे हैं वहां पर खासतौर पर गंगा सागर में उस तिथि पर यानी जिसको कहा जाता है मकर संक्रांति, उस दिन लेके पहुंचे थे। वहां से लेकर चलते चलते धीरे धीरे गंगा के जल को वहां पहुंचाया उन्होंने, तो गंगा दशहरा वाले दिन भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ इस धरा पर और भगवत बहुत ही कल्याणकारी योग है। अपने पितरों के निमित्त आपको अवश्य दान पुण्य तर्पण अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। देखिए ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र जो है वो मंगल विशेष तौर पे मंगल के साथ जा रहे हैं कर्क राशि में, ऐसे में मन में थोड़ा अधर्म का उदय हो सकता है, व्यभिचार गलत तरफ आनंद तामसिक वृत्ति जाग सकती है। गलत दोस्तों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, जिन बच्चों की जन्म पत्री में खासतौर पर इस राशि है तुला राशि वाले हैं उनके माँ बाप को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के कार्यों को भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। गलत विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं, गलत लोगों की संगत से परेशानी में फंस सकते हैं, नुकसान के योग बना सकते हैं, इस बात से सावधान रहते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बाद में नुकसान होने के योग बन सकते हैं, जुर्माने हो सकते हैं, कोई ना कोई झगड़ा फंस सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 31 तारीख को तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखा रहा है कि उस दिन निर्जला एकादशी है और ग्रहों का परिवर्तन अभी भी आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा शीर्ण बना हुआ है और ये नुकसान देने के योग बना रहा है अभी भी, जुर्माने के योग बना रहा है अभी भी। थोड़ा शांति रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समस्त कार्यों को करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये ग्रहों का योगायोग आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, तो इसलिए सावधान होते हुए कार्य करें। और तुला राशि वालों जो के लिए जो शाम का समय वो अच्छा रहेगा, सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, तो इसलिए कोशिश करें सुबह के समय पुण्यों में लगाने का प्रयास करें। ये भीमसेनी एकादशी मानी जाती है और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भीमसेन ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए इस दिन निर्जल रहते हुए व्रत रखा था। खरबूजे का दान करना, पंखे का दान करना, गागर का दान करना, पानी भरकर मटकों में उसका दान करना, अन्न का दान करना, सबसे बड़ा मौन व्रत रहते हुए पानी का दान करना, पंखे का दान करना, खरबूजे का दान करना, ये सब चीज बड़ी कल्याणकारी चलती है। कोशिश करें इस तिथि का पुण्य रूप से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शाम के समय चंद्रमा का परिवर्तन होगा पर तुला राशि में ही चंद्रमा आ जाएंगे, तुला राशि वालों ये आपके लिए अच्छा रहेगा, मनोमस्तिष्क में धन लाभ के योग बनाएगा, खासतौर पर पॉजिटिव चेंजेस लाएगा और आपको लाभ देने के योग बनाएगा। धन्यवाद।